हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियो मंत्रा। माय नेम इज़ ब्रजेश्वरी शर्मा एंड आज हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाला लेसन का सेकंड एक्सरसाइज। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज की, और सेकंड एक्सरसाइज भी आधी कंप्लीट कर दी है पहले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं चेक किए हुए तो सबसे पहले जाके वो वाले वीडियोज़ देखिए, आपके लिए आगे कंटिन्यूएशन में बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम लोगों का एडियो मंत्रा का एक ऐप है, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सारे के सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है? आपके जो नोट्स है वो बन जाएंगे अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो। सो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज। ओके, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74, ठीक है? बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद में। हम लोग तोड़ तोड़ करके इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स बोला है और तीन कॉन्सिक्यूटिव बोला है, मतलब एक के बाद एक होने चाहिए, ये तीनों भी नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है तो मैं एक्स लूँगी फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब इन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इट विल बी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है? मेरे तीन नंबर्स हो गए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है? कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और इंक्रीजिंग बोला है इसलिए ऐड किया है। अगर डिक्रीजिंग बोला होता तो क्या करते आप लोग, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ठीक है? अगर डिक्रीजिंग बोला है तो माइनस करेंगे, इंक्रीजिंग बोला है तो हम प्लस करेंगे। ओके, अब क्या बोला है इन लोगों ने कि इसको अगर इन कॉन्सिक्यूटिव को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, 3 and 4 से, ठीक है? इन लोगों ने ये हम लोगों को दिया हुआ है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से 3 से and 4 से, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हम लोग का फर्स्ट नंबर है 2x, सेकंड नंबर इज 3 multiplied by x plus 1 एंड थर्ड नंबर इज 4 multiplied by x plus 2। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलती है, 74, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद इट, हमारा इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? इक्वेशन, अपना इक्वेशन क्या बन रहा है, 2x, 2 into x 2x हो जाएगा, ठीक है? 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बोला है, 74। इन्होंने क्या कहा था, जब हम तीनों नंबर्स को, तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 74 मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ऐड कर लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? 3 multiplied by x 3x, 3 multiplied by 1 3, ठीक है? प्लस 4 multiplied by x 4x, प्लस 4 multiplied by 2 इट विल बी 8, इज इक्वल्स टू 74, करेक्ट? अभी हम लोग क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है हम लोग उनको पहले सॉल्व करेंगे, जो अनलाइक है उनको अलग रखेंगे, ठीक है? जैसे कि 2x है, 3x है, 4x है, इन तीनों को अपन ऐड करते हैं, 3 plus 2 5 5 plus 4 9x हो गया प्लस, अब क्या है, 3 है लाइक और 8 है लाइक टर्म, ठीक है? तो 3 plus 8 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है? तो हम लोग 11 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स के साइड में क्या था, 74 था, हम वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब हमको क्या मिलता है, 9x तो हम लोग के पास है ऑलरेडी, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, 9x है, मुझे 11 नहीं चाहिए ये साइड में, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ किया था, हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देते, 9x इज इक्वल्स टू 74 तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था, 11 के आगे साइन क्या है, प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 11, ठीक है? तो इट विल बी 9x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 minus 1 3, 7 minus 1 6, एक्स इज इक्वल्स टू 63, ये है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविजन में, मैंने 9x क्यों नहीं रखा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, 9x की नहीं, ठीक है? 9 1 9 7 63, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलती है हमको, 7 मिलती है। क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, 2x है, ठीक है? तो मुझे अब मेरे नंबर्स के अंदर पुट करना है, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट नंबर, अभी अगेन नंबर हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो है वो मेरे एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ही है, लेकिन इन्होंने हमको कंडीशन दी थी कि हमारे ये जो नंबर्स है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मेरे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, क्या वो 2x हो जाएगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा, 4x प्लस 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं, मेरे ओरिजिनल नंबर्स ओरिजिनल नंबर्स ही रहेंगे, मतलब जब मैं आंसर में पुट कर रही हूँ तो मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो x ही होगा, ठीक है? ओके,
ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ये अंदर वाला, ठीक है, दिस आर माई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ये जो मैंने 2, 3 और 4 जब इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, ठीक है. तो आपके जो ओरिजिनल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है वो क्या है, x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है. हम उन तीनों में वैल्यूज पुट करेंगे x की और हमको अपने तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे. इन्होंने क्या कहा है, फाइंड दीज नंबर्स, आपको तीनों नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है. x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो वो तो 7 ही रहेगा. x प्लस 1, मेरा सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 7 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8. और x प्लस 2 मतलब मेरा थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 9, ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए कॉन्जिक्यूटिव चाहिए थे उन्हें, मतलब बढ़ रहा है, एक एक आगे ऐड हो रहा है, 7, 8, 9 लाइन में है, ठीक है, और बढ़ते हुए ऑर्डर में है, यही हमको आंसर उन्होंने पूछा था, ठीक है. हम लोगों ने क्या किया है, हमको तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोले थे, बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. हमने तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पहले लिए, उसके बाद उन्होंने कंडीशन क्या दी थी हमको, हमको इन तीनों नंबर्स को, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था. किससे मल्टीप्लाई करना था, 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मतलब एक के साथ में एक होगा, एक दूसरे के साथ दूसरा होगा, तीसरे के साथ तीसरा होगा, ठीक है. हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया, हमारी इक्वेशन बनी. हमको बोला जब ये ऐड होते हैं हमको 74 आंसर मिलता है. ऐड किया हम लोगों ने, शिफ्ट किया, हमको आंसर मिला x का. हमारा फर्स्ट नंबर x ही था तो हम लोगों ने x के जगह पे 7 लिखा. हमारा सेकंड नंबर था x प्लस 1, ये हो गया 7 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8. और थर्ड नंबर था x प्लस 2, 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 9. तो हमको ये पता चलता है कि जो 7, 8 और 9 है ये बढ़ते हुए ऑर्डर में है और ये पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, ठीक है. एक के बाद एक है, इंक्रीजिंग तो 7, 10, 20 भी हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7. 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. अब इन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट एज. अभी अगर आज अगर राहुल और हरुण का एज का रेशियो, रेशियो इन्होंने बोला कितना है, 5:7, ठीक है. अभी मैं ये रेशियो एक्सप्लेन करती हूँ. जो रेशियो होता है ये इन लोगों का ईयर्स नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है. अब रेशियो कैसे बताती हूँ मैं, ठीक है. आप लोगों की एज अगर सपोज है 10 साल, ठीक है, आपकी एज है 10 साल, और सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी एज है 20 साल, ठीक है, मैं हूँ 20 साल की, तो मैं क्या बोलूँगी कि आपके और मेरे एज में 1:2 का रेशियो है, ठीक है. इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ क्या कि आप 1 साल के और मैं 2 साल की हूँ, नहीं. मैं ये बोल रही हूँ कि हम दोनों के एज के अंदर जो रेशियो है, जो डिफरेंस है, वो इतना है 1:2 वाला, ठीक है. सिमिलरली 5:7 इनके एज नहीं है, राहुल का एज 5 साल और हरुण का एज 7 साल नहीं है. इन दोनों के एज का डिफरेंस जो एक रेशियो बन रहा है फॉर्म होकर के, वो है 5:7. मतलब हम लोगों को इनके एजेस लिखने होंगे, ठीक है. अब हम इनके एजेस कैसे लिखेंगे, जहाँ पर भी जब जब आपको रेशियो वाले फॉर्मेट में सम्स मिलते हैं, आपको हमेशा क्या करना है, एक वेरिएबल ऐड कर देना है उसमें, ठीक है. आपको एक नंबर उसको बनाना है, रेशियो कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, एक नंबर में कन्वर्ट करना है. स्टार्ट करते हैं, लेट अस अज्यूम राहुल्स एज, पहले राहुल का ही दिया है, राहुल्स एज को अपन क्या अज्यूम करते हैं, 5x. 5 तो दिया ही हुआ था ऑलरेडी, राहुल का दिया है पहले नाम तो राहुल के लिए 5 आएगा, हरुण का नाम बाद में दिया है तो 7 आएगा. अगर राहुल का नाम बाद में दिया होता तो मैं 7 लिखती हूँ उसके जगह पे, ठीक है. जिस फॉर्मेट में नाम दिया आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है उनका, ठीक है, एजेस. ओके, नाउ अब हम लोगों ने अज्यूम क्या किया, 5 तो ऑलरेडी था, हमने क्या ऐड किया उसमें, एक्स किया ऐड. अब सिमिलरली अपन हरुण में भी सेम करते हैं, ठीक है. हरुण से एज क्या आएगी फिर, देयरफॉर हरुण की एज क्या हो जाएगी, 7x, करेक्ट. अगर इसकी 5 है तो उसकी क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी. अब इन्होंने क्या बोला, 4 साल के बाद, ये इन दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज है. प्रेजेंट में इन लोग कितने, 5x है और 7x है. अभी आप लोग बोलोगे मैम 5x कौन सी एज होती है, हमको पहले उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हमको मिलेगा, ठीक है. कन्फ्यूज मत हो, हम लोगों को अभी क्या दिया हुआ है, 4 years के बाद, 4 साल के बाद. अगर सपोज मेरी अगर आज एज 20 है तो 4 साल के बाद में मेरी एज कितनी हो जाएगी, आप लोग क्या करते हो, +4 करते हो, राइट. तो मेरी हो जाएगी कितनी एज, 24 हो जाएगी 4 साल के बाद. सिमिलरली अगर मुझे राहुल की और हरुण की एज 4 साल के बाद निकालनी है, तो मैंने अज्यूम क्या की थी इनकी एज, 5x, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, 4
years later इनकी एज क्या हो जाएगी, ठीक है, राहुल की एज क्या हो जाएगी, 5x तो अभी की है, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा. आप अभी वाली एज तो लिखोगे ना जब आप 4 ऐड करते हो. अगर मैं अभी 20 की हूँ तो 4 साल के बाद क्या हो जाऊंगी, 20 तो अभी रहूंगी, ऐड वो करूंगी और प्लस 4 करूंगी 24. सिमिलरली प्रेजेंट एज तो लिखना ही है, उसके अंदर मुझे प्लस 4 करना है, समझा. 4 years later बाद में, 4 साल के बाद, ठीक है. तो हरुण का एज कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, इसका 5 है, इसका 7 था, 7x तो वैसे ही रहेगा, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है. अब हमको क्या बोला है, 4 साल के बाद इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है. हमारी इक्वेशन अभी बन रही है, इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, 5x प्लस 4, ये हो गई हम लोग की राहुल की एज, सॉरी 4 है, 5x प्लस 4, ठीक है, और प्लस क्यों, सम दिया है तो प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमको, 56, करेक्ट. अब हम लोग की इक्वेशन बन गई, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है. हम क्विकली सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को. ओके, क्या गिवन है, 4x, सॉरी इसको हम खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 56, करेक्ट. हम लोग को इतना समझा. अभी 5x और 7x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12x प्लस 4 एंड 4 प्लस 8 हो गया, इज इक्वल्स टू 56. 8 जो है वो वहाँ जाएगा अभी, राइट. 12x इज इक्वल्स टू, मुझे 12x एक साइड में चाहिए, सब कॉन्स्टेंट एक साइड में, 56 प्लस 8 है, यहाँ जाएगा तो जाएगा माइनस 8, तो 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 48, ठीक है. अब मुझे 12x की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहेगा, 48 है ये कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के, जब इक्वल्स के यहाँ आ जाएगा तो डिविजन हो जाएगा, 12 ones are 12, 4s are 48, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा. अब मुझे x इज इक्वल्स टू 4 मिला, क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए है, क्या राहुल की एज x है, नहीं, राहुल की एज कितनी है, 5x है, ठीक है. तो मैं इसके अंदर राहुल की एज में एक सब्सटीट्यूट करती हूँ, हरुण के एज में भी मैं एक सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो मुझे दोनों की एजेस मिल जाएगी, ठीक है. देयरफॉर राहुल की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज, ठीक है. राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी, इन्होंने हमको क्या बोला है, प्रेजेंट एज पूछा है, ठीक है. 4 साल के बाद में वाली पूछी होती तो हम लोग किसमें करते हैं सब्सटीट्यूट, इसमें मैं सब्सटीट्यूट करती अगर 4 साल वाले के पूछे होते तो, 4 साल बाद वाली, ठीक है. लेकिन इन लोगों ने कौन सी पूछी, प्रेजेंट एज पूछी, तो मेरी प्रेजेंट एज इज 5x कंसिडर्ड, ठीक है. तो 5x मतलब क्या हो जाएगा, 5 × x मतलब 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 20 years, ठीक है. तो मेरा राहुल कितने ईयर्स का है, 20 years का है, और मेरा हरुण कितने ईयर्स का हो जाएगा, फिर हरुण का ईयर्स कितना हो जाएगा, 7x विच इज इक्वल्स टू 7 × 4 विच इज इक्वल्स टू 28 years, ठीक है. तो मुझे क्या मिला, राहुल कितने साल का हो गया, 20 साल का हो गया, ठीक है, और हरुण कितने साल का हो गया, 28 years का हो गया है, ठीक है. क्लियर, क्या किया हम लोगों ने, आपको समझा, हम लोगों ने सबसे पहले तो रेशियो को तोड़ा और उसको एक नंबर वाले फॉर्मेट में लाया, मतलब 5x और 7x लिखा. फिर उन्होंने हमको कंडीशन दी थी 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मतलब क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 4 हो जाएगा, 7x प्लस 4 हो जाएगा. उसके बाद में हमने क्या किया, इक्वेशन लिखी, इन दोनों का एडिशन उन्होंने बोला 56 है, हमने लिखा, हमने इसको सॉल्व किया, हमको x की वैल्यू मिली 4, x की वैल्यू 4 मिलने के बाद में हमने क्या किया, 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 20 years, 7 × 4 विच इज इक्वल्स टू 28 years. आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बहुत सिंपल सम था, ठीक है. हम लोग ऐसे वाले और सम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते, ठीक है. क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन अ रेशियो ऑफ 7:5, ठीक है. अगेन सेम हमको रेशियो दिया हुआ है 7:5. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको वेरिएबल वाले फॉर्म में, ठीक है. नंबर लाना है हमको, ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला, बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कौन सा रेशियो दिया है, बॉयज टू गर्ल्स वाला रेशियो गिवन है. तो मेरा बॉयज का क्या होएगा, 7x होएगा, और मेरे गर्ल्स का क्या होएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है. चलो सॉल्व करते हैं. ओके, तो लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 5x, और नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 7x,
ठीक है, बॉयज पहले दिया था तो 7x होगा, गर्ल्स बाद में दिया है तो 5x हो जाएगा, करेक्ट. ओके, अब क्या बोला इन्होंने, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, अगर मेरे पास में अगर लड़के 10, लड़कियां 10 है, ठीक है, अगर गर्ल्स जो है मेरे क्लास में 10 है, ठीक है, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 8 हो जाएंगे. इन्होंने बोला है 8 ज्यादा है लड़के, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 18. ठीक है, अब जब मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास बॉयज बोला है ज्यादा है, तो मैं बॉयज में ऐड करूंगी क्या उसको, नहीं, गर्ल्स से बॉयज 8 ज्यादा है, गर्ल्स से ज्यादा है, गर्ल्स के अंदर ऐड किया मैंने, गर्ल्स का नंबर क्या है 10 है, गर्ल्स में ऐड किया और 8 तो मुझे 18 मिला, तो मुझे इक्वेशन बनाते हुए किस में ऐड करना है, गर्ल्स में, गर्ल्स मतलब 5x में मुझे ऐड करना है. ओके, ठीक है, लेट्स सी इक्वेशन कैसे बनती है हम लोगों की. ठीक है, क्या बोला है इक्वेशन हम लोग की फॉर्म हो रही है अभी, क्या बन रही है हमारी इक्वेशन, 7x तो वैसे रहेंगे, क्यों, क्योंकि लड़कों का तो दिया ही नहीं है ना हमको, हमको दिया किसका है, बोला है लड़के जो है वो बढ़ रहे हैं, किससे बढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कियों से ज्यादा है. ठीक है, तो लड़कियों से ज्यादा है मतलब लड़कियों में ही ऐड होगा. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है, और इन्होंने बोला है इट इज मोर देन गर्ल्स. अब इन्होंने क्या पूछा हमको, क्लास स्ट्रेंथ कितनी है, इस ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई. हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, 5x इधर पे प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 अपॉन 2, 2 यहाँ जाएगा, 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा 8, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4. ठीक है, लेकिन क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे क्या पूछा इन्होंने, नंबर ऑफ गर्ल्स. हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ मतलब कितने लोग हैं क्लासरूम में मेरे. ठीक है, अगर सपोज मेरे क्लासरूम में लड़कियां हैं 5x, तो पहले मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी. x की वैल्यू मिल गई है मुझे, मैं x की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 5x विच इज इक्वल्स टू 5 × x मतलब 4. ठीक है, तो 20 गर्ल्स है मेरे क्लास में, मुझे ये पता चलता है कितनी लड़कियां है मेरे क्लास में, 20 लड़कियां है. ठीक है, अब मैं सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज में भी डालती हूँ. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को, 5, 7 दिया हुआ है, 7x है मतलब 7 × 4 है विच इज इक्वल्स टू 28. ठीक है, तो मतलब मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, लड़कियां हैं 20, लड़के हैं 28. अब इन्होंने पूछा है टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चों के लिए क्या करूंगी मैं, टोटल बच्चे फाइंड आउट करने के लिए लड़कियों का और लड़कों के जितने भी नंबर ऑफ है उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी. ठीक है, सो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल कितने बच्चे हैं मेरे क्लास में. ओके, तो टोटल स्ट्रेंथ मेरी कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया. ओके, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मेरे बॉयज है 28 और गर्ल्स है 20. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 48 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब ये बॉयज और गर्ल्स वाला हट गया, अब क्या हो गया, 48 स्टूडेंट्स है मेरे पास. ठीक है, समझा क्या किया हमने, पहले हम लोगों को रेशियो दिया था, हमने वो रेशियो को पहले नंबर में कन्वर्ट किया, हम लोगों ने कैसे किया उसको, एक्स लिख दिया आगे. ठीक है, उसके हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई, क्यों, इन्होंने क्या कहा था, लड़के जो है वो 8 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, लेकिन लड़कियों से, तो मैं लड़कियों में 8 ऐड करूंगी. ठीक है, तो 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8. ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे x इज इक्वल्स टू 4 मिला. ओके, नाउ हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट की, कैसे फाइंड आउट की, 5x था, मैंने x की वैल्यू 5x में सब्स्टिट्यूट की. ठीक है, मुझे क्या मिल गया, 20 मिल गया, एंड सिमिलरली मैंने 7x में सब्स्टिट्यूट की तो मुझे मिल गया 28. लेकिन उन्होंने क्या पूछा, टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछी थी, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकाला है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों को मैंने ऐड किया, मुझे आंसर 48 स्टूडेंट्स मिला. ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, आई होप ये वाला क्लियर है. ओके, अभी क्या बोला है हमको कि ये जो बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग. ठीक है, कुछ भी नहीं समझा अभी इसमें, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ लेते हैं इसको. ठीक है, ये हो गया हमारा बायचुंग. ठीक है, ये हो गए हमारे बायचुंग के फादर. ठीक है, पापा हो गए इसके, और ये हो गए हमारे बायचुंग के ग्रैंड फादर हो गए. ठीक है, ओके, हमको समझ गया क्या है ये लोग तीनों. ओके, अभी अपन वापस रीड करते हैं. बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर. इसके पापा के बारे में क्या दिया है कि ये इसके, इसके मतलब किसके, बायचुंग के पापा
बायचुंग के दादाजी से, ठीक है, 26 इयर्स छोटे हैं, ठीक है, ऑफकोर्स आपके पापा और आपके एज में डिफरेंस होगा. सिमिलरली इसके और इसके पापा में डिफरेंस कितना है, 26 इयर्स का डिफरेंस है. लेकिन किसके, बायचुंग के पापा, बायचुंग एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, उसके लड़के के पापा और उसके दादाजी के अंदर क्या डिफरेंस है, 26 इयर्स का डिफरेंस है. सिमिलरली क्या बोला है उन्होंने कि उसके बायचुंग और उसके पापा में, मतलब इन दोनों के बीच में हो गया 26 इयर्स का डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों में क्या हो गया, 29 इयर्स का डिफरेंस, ठीक है. मतलब लड़के और पापा में 29 इयर्स है और पापा और दादाजी में 26 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है. हम लोगों को समझा क्या एग्जैक्टली बोला है, और इन्होंने क्या बोला है, इन तीनों की जो एजेस है वो है 135. तो हम लोगों को पहले इसको एक एक्सप्रेशन को हम लोग को इक्वेशन में डेवलप करके लिखना पड़ेगा, ठीक है. आपको आई होप ये क्लियर है. तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं हम. तो चलो हम कंसिडर किसको करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड में क्या गिवन है, उसके पापा के बारे में दिया है कि पापा से ये एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है. तो इसके पापा जो है वो मिडल वाले हैं, तो पापा को ही हम एक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है. पापा एक्स हो गए. अभी अगर बायचुंग के बारे में पूछा है तो बायचुंग के बारे में क्या बोला है, 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग. कौन है ओल्डर, इसके पापा है, ठीक है. तो बायचुंग कितना छोटा है उसके पापा से, 29 इयर्स छोटा है. मतलब अगर सपोज इसके पापा की एज अगर 10 है, चलो 20 है, तो बायचुंग इससे अगर 29 इयर्स छोटा है तो हम लोग को उसको 29 माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है. इसके पापा से ये बड़ा नहीं हो सकता तो ये छोटा ही होगा, तो हमें माइनस करना होगा, ठीक है. सिमिलरली ग्रैंडफादर के बारे में जब हम लोग बोलेंगे तो ये हमेशा इनसे बड़े होंगे, ग्रैंडफादर इसके बेटे से बड़े होंगे. इसके पापा ये है, इसके पापा ये है, तो ये अपने पापा से बड़ा नहीं होगा, इसके पापा ही बड़े होंगे. और क्या दिया है, 26 इयर्स दिया है. ये अपने पापा से 26 इयर्स छोटा है, ठीक है. क्या किया हम लोगों ने, समझा, एक्स जो था हम लोगों ने उसके पापा को कंसिडर किया, वहीं खत्म हो गया कहानी. अब इन्होंने बोला है 26 इयर्स बड़े हैं. कौन बड़े हैं, पापा बड़े हैं, ठीक है. पापा के एज में से अगर मैं 29 हटा दूं तो मुझे बायचुंग का एज मिल जाएगा. अगर पापा के एज में 26 जोड़ दूं तो मुझे दादाजी का एज मिल जाएगा, करेक्ट. यही उन लोगों ने क्वेश्चन में गिवन है. अभी हम लोग इसी को यहाँ लिखते हैं एंड उसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है. बायचुंग का हमको एज क्या दिया, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, एक्स माइनस 29 ईयर्स, ईयर्स, ठीक है. हम लोग ईयर्स निकाल रहे हैं, ठीक है. बायचुंग के पापा का हम लोग देखते हैं क्या लिखा है हमने, एक्स ईयर्स अगेन, ठीक है. और बायचुंग के दादाजी का हमने क्या लिखा है, ग्रैंडफादर का क्या है, एक्स प्लस 26 ईयर्स अगेन, ठीक है. हम लोगों को उनके नंबर ऑफ ईयर्स ही गिनने, ठीक है. अभी अपन क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, करेक्ट. हमको इक्वेशन मिलने वाली है. अभी इक्वेशन क्या बोली है उन लोगों ने, जब हम तीनों के ईयर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 135 मिल जाएगा. चलो हमारी इक्वेशन बन रही है, अभी ऐड कर देते. x माइनस 29 हो गया बायचुंग का एज, प्लस सम बोला है, ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस, ओके, सम बोला है. तो x माइनस 29 प्लस x हो गया उसके पापा का एज, प्लस उसके दादाजी का एज है x प्लस 26. किसके दादाजी का बोल रही हूँ मैं, बायचुंग के दादाजी का, ठीक है. इन तीनों का एडिशन क्या हो गया, 135 हो गया, ठीक है. ये हमको इक्वेशन मिल गई, समझा. इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 29 हो गया बायचुंग का एज, x हो गया उसके पापा का एज, और उसका x प्लस 26. ज़्यादा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. इसके पापा का एज जो भी है उससे 29 इयर्स बायचुंग छोटा है, और इसके पापा का एज जो भी है उसके दादाजी 26 इयर्स उससे बड़े हैं. किससे बड़े, उसके पापा से बड़े. हमने x x x ये जो मेन अपनी जो एंटिटी है इससे हम लोगों ने माइनस किया, इससे हम लोगों ने प्लस किया है, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस 29 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 26 इज इक्वल्स टू 135, ठीक है. अभी हम लोग मिक्स ये लाइक टर्म्स को ले लेते हैं. 3x माइनस 29 प्लस 26 माइनस 29 प्लस 26, बड़ा नंबर
माइनस 29, माइनस इंटू प्लस, माइनस 29 माइनस 26 3 हो जाएगा, 29 माइनस 26 कितना होता है 3 होता है, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, ठीक है। अब हम इसको माइनस 3 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है 29 और माइनस 29 प्लस 26 इज इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है ओके। अब हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है इज इक्वल्स टू 135, राइट हैंड साइड में 135 गिवन है, ठीक है। अब हम ये 3 को वहाँ ले जाते हैं तो 3x तो वहीं रहेगा, इज इक्वल्स टू 135 प्लस 3, ठीक है विच इज इक्वल्स टू 138, ठीक है। अब 3x इज इक्वल्स टू 138 बोला है, क्या बोला है इन्होंने 3x इज इक्वल्स टू 138, तो लेकिन क्या मुझे 3x की वैल्यू चाहिए, नहीं मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, सो x विल बी इक्वल्स टू 138 अपॉन 3, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिविजन में हो जाएगा, 3 ones are 3, 4s are 12 and 3 6s are 18, तो मुझे x इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 46 मिल रहा है। x किसका था, उसके पापा का, मतलब उसके पापा कितने ईयर्स के 46 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो देयर फोर बायचुंग्स फादर इज इक्वल्स टू 46 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर उसके पापा 46 है तो अब हम लोगों को इसमें भी सब्सटीट्यूट करना है, तो इनका लड़का कितने ईयर्स का होगा, अगर पापा 46 के है तो लड़का क्या होएगा 46 माइनस 29, तो बायचुंग का एज क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस 29 बोला है, तो मतलब 46 माइनस 29 कितना हो जाएगा 17 साल का है, ठीक है। हमारा बायचुंग कितने ईयर्स का है 17 साल का है। और अब एक और एक चीज़ बोली, उसके दादाजी के बारे में भी दिया है, x प्लस 26 मतलब बायचुंग के ग्रैंडफादर के बारे में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है x प्लस 26, x की वैल्यू क्या है हमारी 46 है, 46 प्लस 26 क्या हो जाता है हम लोग का वैल्यू 72, ठीक है। मतलब क्या पता चलता है हमको, जो लड़का है वो है 17 साल का, लड़के का जो पापा है वो है 46 ईयर्स का, और उसके जो पापा का पापा है वो है 72 ईयर्स का, मतलब पूरी 3 जनरेशन्स का हम लोगों ने एज निकाला है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने सबसे पहले मिडल वाले पर्सन को फाइंड आउट किया, दैट वॉज हिज फादर, ठीक है। पापा के ही वजह से लड़का और दादाजी का एज पता चल रहा है, लड़का 29 ईयर्स छोटा है, दादाजी 26 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। हम लोगों ने लिखा, हमने सॉल्व किया इसको, हमको आंसर मिला 46 जो था बायचुंग के पापा का ईयर्स, ठीक है। उसके पापा 46 ईयर्स के थे तो 46 माइनस 29 करेंगे क्योंकि लड़का हमेशा छोटा होगा अपने डैडी से, ठीक है। लड़का 17 साल का है, अब लड़का छोटा है अगेन अपने डैडी से, ठीक है, मतलब दादाजी से बायचुंग के छोटे हैं उसके पापा, ठीक है। तो दैट इज x प्लस 26 मतलब 72 ईयर्स के है उसके दादाजी। आई होप मेरा सम क्लियर है, एक बार आप वापस गो थ्रू करो इससे, एक स्नैपशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, चलो अगर हम लोग ये सब नहीं देखते, अभी का एज हमको पूछा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ अभी का एज प्रेजेंट एज के बारे में कुछ भी दिया है नहीं, मतलब लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स, अभी के बारे में कुछ बोला है नहीं, मतलब हम लोग का अभी वाला प्रेजेंट एज इसका क्या है एक्स ईयर्स हो गया। अब पढ़ते हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब एक्स, अब पता चल गया, ठीक है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 15, अभी से 15 साल के बाद क्या हो जाएगा रवि का एज 4 टाइम बढ़ जाएगा, किससे प्रेजेंट एज से, ठीक है। मतलब इन लोगों ने क्या बोला है, अभी इसका एज जितना भी है अगर वो 15 साल उसमें ऐड कर देता है तो उसका क्या हो जाएगा 4 साल बढ़ जाएगा, 4 साल टाइम्स 4 टाइम्स, टाइम्स कहीं सुना हुआ लग रहा है, इंट्रोडक्शन वाला चेक करना, उसके ना टाइम्स बताया मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। क्या बोला है x प्रेजेंट एज है, x के बाद उन्होंने बोला है 15 साल के बाद, हम लोगों ने पहले वाले सम में किया था, अगर आज मैं 20 साल की हूँ 4 साल के बाद में मैं 24 की होंगी तो मैं 20 ऐड करती हूँ, ठीक है, 20 प्लस 4, सिमिलरली अभी उसकी प्रेजेंट एज x है x प्लस 15, 15 साल के बाद में 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
फोर टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, चार गुना है किसकी, लेकिन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या, एक्स, चार टाइम्स किसकी है, प्रेजेंट एज की, तो 4x हो जाएगा. व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, अभी की उसकी एज पता करनी है. एक्स ईयर्स मतलब एक्स ईयर्स से उसका आंसर नहीं है, x की जगह पर वैल्यू आना चाहिए. ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं. 15 यहीं रखते हैं, हम वेरिएबल को वहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल था तो हम वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर 4x लिखा था तो हम लोग x वाला ही टर्म को लेकर के जाएंगे यहाँ पे. ओके, सो 15 इज इक्वल्स टू 3x, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से. x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा डिविजन, 15 डिवाइड बाई 3. मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, तो मेरा x का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. मतलब मुझे x क्या है, रवि का प्रेजेंट एज है, मतलब रवि अभी कितने साल का है, 5 साल का है. देयरफोर रवीस प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स. ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, हमको यही पूछा ना, व्हाट इज रवीस प्रेजेंट एज, अभी वो कितने साल का है, 5 साल का. हम लोगों ने क्या किया स्टार्टिंग में, अभी उसकी एज को हमने कंसिडर क्या किया है, एक्स किया, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं थी कहीं पे भी. ठीक है, जो चीज़ गिवन नहीं है हमें उसको ही एक्स कंसिडर करना होता है. अब इन लोगों ने बोला है 15 साल के बाद एक्स प्लस 15, मतलब ठीक है हम लोगों ने 15 साल उसमें जोड़ दिए, करंट एज में 15 साल जोड़ दिए, तो इन्होंने क्या बोला है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, अभी के एज से. x है उसका अभी का एज, तो 4 इंटू एक्स किया है मैंने. ठीक है, 15 इज इक्वल्स टू 4x, हम लोगों ने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, हमको आंसर x की क्या मिल गई, 5, जो रवि की प्रेजेंट एज है. आई होप दिस सम वॉज क्लियर. ये बहुत ही सिंपल सम है, अगर ये आता है तो प्लीज़ छोड़ना नहीं एग्जाम में, प्लीज़ ये अलग करके आना सम, बहुत सिंपल है. ओके, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं. क्या बोला है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. रैशनल नंबर के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं. लेकिन किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5/2 से, क्या कहीं दिया है, नहीं. तो हमको एक कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करेंगे, x करेंगे. ठीक है, इफ x इज माई नंबर, ठीक है, x इज माई फर्स्ट नंबर, x इज माई रैशनल नंबर. ठीक है, इफ अ रैशनल नंबर इज सच दैट, रैशनल नंबर मेरा x है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, अगर मैं इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनना. ओके, x इज माई रैशनल नंबर, वेन यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू इट, टू द रिजल्ट. ठीक है, इन दोनों का जो भी आंसर मिलेगा मुझे, मैं इसके अंदर क्या ऐड करी हूँ, 2/3 ऐड करी हूँ. ध्यान देना इसमें. ठीक है, x नंबर दिया नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला था एक रैशनल नंबर है जिसमें मैं मल्टीप्लाई क्या कर रही हूँ, 5/2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय 5/2, इन दोनों का रिजल्ट को ऐड करना है 2/3 टू द प्रोडक्ट एंड व्हाट विल आई गेट, -7/2. व्हाट विल आई गेट मतलब इक्वल्स टू -7/12. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन. वापस देखते हैं, रैशनल नंबर इज इन सच अ वे, रैशनल नंबर इज इन सच अ वे व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, एंड ऐड 2/3 टू द रिजल्ट, इसका जो भी आंसर मिलेगा. ठीक है, आई एम एडिंग 2/3 टू इट एंड व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, -7/12. दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है, हमें बस इसको सॉल्व करना है एंड हो गया. यहीं पर अगर आप रॉन्ग कर दोगे आगे का सम रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनो और इसको समझो और फिर लिखो. ठीक है, ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 5/2x हो गया. ठीक है, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ क्योंकि x है यहाँ पे, तो x वाला टर्म जाएगा नहीं, तो 5x/2 को मैं ऐसे ही रखती हूँ. प्लस ये वहाँ गया, सॉरी प्लस नहीं होएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये मुझे वहाँ ले जाना है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7/12 पहले ही था वहाँ पे, ये प्लस वहाँ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब मेरे डिनोमिनेटर्स इक्वल है क्या, नहीं. मैं इसको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करूँगी, कैसे करूँगी, एलसीएम लिख लूँगी. ठीक है, मुझे पता है मेरे को 12 चाहिए है और 3 4 12 होता है, तो मेरे को डिनोमिनेटर इक्वल करना है. -7/12 हो गया, -2 × 4 = 8 हो गया, अपॉन 4 × 3 = 12 हो गया. मुझे यही आंसर चाहिए, 12 चाहिए था मुझे. ठीक है, 5x/2 वैसे ही लिखेंगे हम. अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको. 5x/2 वैसे ही रखेंगे. ठीक है, इज इक्वल्स टू -7 -8, और जो ये 12 है ना,
दो बार, हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है. यू गेट 12. ओके, नाउ 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस इनटू माइनस प्लस, ठीक है. सो माइनस 7 माइनस 8 विल बी इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 12, ऐसे ही रहेगा. अब ये 3 के टेबल में जा रहा है, हमको दिख रहा है 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है अभी एक्चुअल में, 5x, क्या आंसर मिल रहा है मुझे, 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 4 मिल रहा है, ठीक है. अब लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए है. x में वहीं रख दूंगी, बाकी सबको मैं शिफ्ट कर दूंगी. अब शिफ्ट कैसे करूंगी, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ठीक है. तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिविजन के फॉर्म में, 5 इंटू एक्स है तो ये हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये माइनस 5 बाय 4 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है. ये 5 था मल्टीप्लीकेशन में, ये नीचे चला जाएगा डिविजन में, ठीक है. और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच में, ठीक है. और ये क्या है, डिविजन में है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. क्या किया हम लोगों ने, आपको समझा, हमने जो डिविजन में था उसको मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट कर दिया ऊपर, और जो मल्टीप्लीकेशन में था हमने उसको नीचे ले लिया डिविजन में, ठीक है. अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ये कट हो जाएगा, ठीक है. तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 2 1 2 2, ठीक है. तो हमको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2. मेरा रैशनल नंबर मुझे मिल रहा है क्या, x इसमें रैशनल नंबर मैंने कंसीडर किया था. रैशनल नंबर क्या होती है, p बाय क्यू फॉर्म होती है. क्या मुझे एक p बाय क्यू फॉर्म मिल रही है, मिल रही है, करेक्ट है, ठीक है. हम लोगों ने क्या किया है, एक रैशनल नंबर कंसीडर किया है, हमने x क्यू लिखा है, हमको x की नहीं दी हुई है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. जो फाइंड आउट करना था मैंने उसको वेरिएबल में लिखा है, 5 बाय 2 मल्टीप्लाई किया, इनके प्रोडक्ट को 2 बाय 3 से ऐड किया, माइनस 7 बाय 12 रिजल्ट मिल रहा था. ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमने इक्वेशन बनाई, हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर इज माइनस 1 बाय 2. आपको स्नैपशॉट चाहिए तो आप ले लो इसका एक, ठीक है. मूव ऑन करते हैं. ओके, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, ठीक है. चलो, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज, ठीक है. डिनोमिनेशंस मतलब क्या है, चलो 3 है अपने पास में, ठीक है. ये हो गया 100 रुपए का नोट, ये हो गया मेरा 50 रुपए का नोट, और ये हो गया मेरा 10 रुपए का. अब इन लोगों ने क्या बोला है, ये जो नंबर ऑफ है ये कितने हैं वो हमको अब रेशियो में बताए, ठीक है. कितने, कौन सा नोट्स है अपने पास, कौन से नोट्स है बैंक में, 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं, लेकिन ये किस रेशियो में है, कितनी क्वांटिटी में है, रेशियो मतलब कितनी क्वांटिटी में है. ये 2:3:5, ठीक है. मतलब अगर मेरे 100 रुपए के नोट्स 2 वाले में है तो मेरे सबसे ज़्यादा नोट्स किस में होंगे, ठीक है. 10 रुपए के मेरे पास 5 नंबर्स, मतलब 5 रेशियो वाले फॉर्मेट में है, मतलब 50 से 5 गुना है मेरे पास ज़्यादा 10 रुपए के नोट, 100 रुपए से 3 गुना ज़्यादा है मेरे पास 50 रुपए के नोट्स, ठीक है. ये रेशियो फॉर्मेट में दिया है. अब हमको रेशियो दिया तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रेशियो को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. हम कन्वर्ट करेंगे, समझा आपको क्या है, आपके पास 3 टाइप के दिए हुए हैं कॉइन्स, आपके पास में नोट्स और कॉइन्स, ठीक है, पैसे दिए हुए हैं, और ये किस फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में गिवन है. हमको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, कितने रुपीज़ है हर एक स्लॉट में, ये स्लॉट्स है हमारे पास, ठीक है. ओके, हम लोग को चेक करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. रेशियो कन्वर्ट पहले कर लेंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, हम लोग के लिए. तो देयरफॉर लेट अस अज्यूम 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रेशियोज और डिनोमिनेशंस, ठीक है, डिनोमिनेशंस लिखते हैं. एज क्या है, 2:3:5 है, तो 2x 3x एंड 5x, ठीक है. क्या मिला हम लोगों को, 2x 3x 5x, क्यों 2 3 5 दिया हुआ था, ठीक है. अभी देखते हैं हम लोग क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू निकालनी है अभी हर एक की. हम वैल्यू, अब वैल्यू निकालते हैं हम लोग कि 100 रुपए की कितनी कीमत है, ठीक है. देयरफॉर वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल्स टू 2x. अब मुझे कैसे पता चलेगी वैल्यू, जब मैं 2x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तब पता चलेगी. समझा,
मुझे वैल्यू ऑफ 100 कब पता चलेगी, जब मैं उस रेशियो को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके बताऊंगी। तो मैंने 2x हम लोगों का रेशियो था और 100 मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए थे, ठीक है। मतलब 100 रुपीज़ की एक नोट है तो वो कितने टाइम्स होगी मल्टीप्लाई, 2x टाइम्स होगी, ठीक है। अगर एक चॉकलेट है तो अगर मुझे 10 चॉकलेट खरीदने तो 1 × 10 करूंगी, ठीक है। तो 2x × 100 विच इज इक्वल्स टू 200x, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी इसको सिमिलरली हम लोग दूसरी की भी वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 3x है तो 3x × 50 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 150x, करेक्ट करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ रुपीस 10, ठीक है, 10 रुपीज़ का क्या मिलेगा, 10 रुपीज़ के लिए क्या दिया है, 5x दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, 5x × 10 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे वैल्यूज़ क्या मिल रहे हैं, अभी 100 रुपये को मैंने रेशियो में भी कन्वर्ट करके मतलब एक प्रॉपर नंबर निकाला तो मुझे मिल गया 200, 150 एंड 50x, ठीक है। अब क्या उन्होंने बोला है, ये तीनों का टोटल कितना है, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख टोटल है। और इन्होंने बोला कितने कॉइन्स है, फिर चलो ठीक है देखते हैं। हमारी इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन क्या बन रही है अभी हमारी, देखते हैं हम लोग, 200x प्लस 150x टोटल बोला है, इस वजह से हम लोग सम कर रहे हैं एंड 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख, 4 लाख, ओके, 4 लाख बोला है इन लोगों ने। कितना हो जाता है ये, 4000 हो जाता है, करेक्ट, सॉरी 400 हो जाता है, 4000 हो जाता है, 400, आई एम रियली सॉरी, 400x हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। अभी हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, हम लोग x को यहीं रखेंगे, बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, अपॉन 400, ये दोनों कट हो जाएंगे जीरोस, 4 × 4 एंड 1000 मिल गया मुझे। तो मेरी x की वैल्यू क्या है, 1000 है। क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे इन्होंने पूछा है हर एक में कितने हैं, कितने सिक्के हैं हर एक के, ठीक है। अगर मुझे पूछा गया है 100 रुपये के कितने हैं मेरे पास नोट्स, तो मुझे अब वो बताना है, ठीक है। हमको सिर्फ 2 रेशियो में दिया था वो, अब हम लोग उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, 1000 आया है, एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको, 1000, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 1000 मिला है, ओके। अभी किस में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, 2x 3x 5x, ठीक है। 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 2x थे, 2x मतलब क्या हो जाएगा, 2 × x मतलब 1000, तो 100 रुपीज़ से कितना है, 2000 है, ठीक है। कितने रुपीज़ हम लोग के पास, 100 रुपीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो 2000 रुपये हैं हमारे पास। सिमिलरली रुपीज़ 50 के कितने हैं, 3x है, तो इट विल बी 3 × 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 3000, ठीक है। तो जब मैं 50 के 3 गुना नोट्स को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कितने हैं, 3000। सिमिलरली 10 रुपये के करती हूँ मैं, 10 रुपये कितने हैं, 5x है, तो इट विल बी 5 × 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 5000, ठीक है। तो मतलब मेरे को बेसिकली क्या मिला है, 100 रुपये के मेरे पास में 2000 नोट्स है, ठीक है, 50 के मेरे पास कितने हैं, 3000 नोट्स है, और 10 रुपये के मेरे पास कितने नोट्स है, 5000 नोट्स है। और जब मैं इन तीनों के, जैसे 2000 है, 2000 के मेरे पास 100 नोट्स हैं, ठीक है, 100 रुपये के 2000 नोट्स हैं, सॉरी 100 रुपये के मेरे पास 2000 नोट्स हैं, तो मेरे पास कितने हो जाते हैं इन ऑल 100 रुपये के, अगर मैं ऐड कर दूँ तो 100 × 100 100 + 100 + 100 + 100, ऐसे मुझे 2000 टाइम्स जाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली 50 का जब मैं गिनूंगी तो 50 + 50 + 50 + 50 मुझे कितना जाना पड़ेगा, 3000 टाइम्स जाना पड़ेगा, और 10 रुपये के लिए मुझे 5000 टाइम्स जाना पड़ेगा, 10 + 10 + 10 + 10, और जब मैं इन तीनों के पैसों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 4 लाख रुपये, ठीक है। यही हम लोग का क्वेश्चन था, ओके। हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले अज्यूम किया है तीनों के डिनोमिनेशन को 2x 3x 5x, क्योंकि हमको रेशियो के फॉर्म में दिया था, हमने उसको सब चेंज किया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने वैल्यू फॉर मनी निकाला है, अगर 100 रुपये के 2x है तो कितने हो रहे, 200x, 50 रुपीज़ के 3x है तो 150x, और 10 के 5x है तो 50x। फिर हम लोगों ने इसको इक्वेशन बनाई, हमको 4 लाख रुपये ऑलरेडी गिवन था, टोटल है,
हमने सॉल्व किया और हमको ये पता चला कि 100 रुपए के जब हमारे पास 2000 बन रहे हैं, 100 रुपए के 2000 नोट्स हैं हमारे पास में, तो जब मैं उसको 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 करूँगी तो मुझे 2000 तक जाना है, 2000 नोट्स तक, और ऐसे ही मुझे बाकियों को भी करना, तो जब मैं सबको ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 4 लाख रुपए, एंड दैट इज़ योर टोटल अमाउंट गिवन। ठीक है, समझा? इसका भी अगर आपको एक स्नैपशॉट लेना तो आप ले सकते हो। एंड मूविंग ऑन, ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, एंड इसका क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज, ओके, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स, ओके, पहले हम लोग चेक करते हैं कि कितने कॉइन्स दिए हुए, ठीक है, तो हम लोगों को दिया हुआ है कौन से कॉइन्स दिए हमको, ओके, हम लोग इसको कॉइन्स को ऐसे कंसिडर करते हैं, 1 रुपीज का है ये, 2 रुपीज का है और ये 5 रुपीज का है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि जब मैं एक गुल्लक सपोज अपने पास में, हमने उसे तोड़ दिया, ठीक है, अब मुझे उस गुल्लक में कितने कॉइन्स टोटल मिल रहे हैं, टोटल कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स मुझे कितने मिल रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं 160 कॉइन्स, जब अपन छोड़ दिया यहाँ पर, हम लोगों ने कॉइन्स को गिरा दिया तो क्या मिल गया हम लोगों को, 160 कॉइन्स मिल गए, ठीक है, कॉइन्स मिले हैं। अभी उन्होंने बोला है कितने रुपीस बनते हैं उन 160 कॉइन्स से, 160 कॉइन्स को जब मैं काउंट करने बैठूंगी तो मेरे पास कितने रुपीस बन रहे हैं, ₹300, करेक्ट, मेरे पास कितना आ जाता है, 300 आ जाता है रुपीस, ओके, और क्या बोला है इन लोगों ने, कंडीशन दी है, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है हम लोग को, बोला है कि जब 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ के कॉइन्स जब हम लोग के पास है तो उसके कितने रुपीज़ बन रहे, 300 बन रहे, फर्स्ट लाइन ये बोलती है। सेकेंड लाइन बोलती है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, क्या हमको 5 रुपीज़ के बारे में कुछ बोला है, नहीं, हमको क्या बोला है, 2 रुपए का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है, कुछ इशू है तो वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन्स है, कौन 3 टाइम्स है, 2 रुपीज का कॉइन 3 रुपीज के, 2 रुपीज का कॉइन 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड है। अब 5 रुपीज को मुझे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा ताकि मैं 2 रुपीज के कॉइन को थ्राइस लिख सकूं उसका, ठीक है, सो लेट अस अज्यूम रुपीज 5 कॉइन एज एक्स, ठीक है, अगर मैं 5 रुपए के कॉइन को एक्स कंसिडर करती हूँ तो मेरा 2 रुपीज का कॉइन क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, देयरफॉर 2 रुपीज कॉइन विल बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 5 रुपीज का वाला कॉइन, ठीक है, थ्राइस 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू किसका, 5 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन ने क्या कंसिडर किया, एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है, 5 रुपए के कॉइन को क्या बोला है, एक्स, 2 रुपीज का कॉइन को क्या बोला है, 3x, अब क्या बचा हमारे पास, 1 रुपीज का कॉइन बच रहा है, तो हम 1 रुपीज के कॉइन को क्या लिखेंगे, 1 रुपीज के कॉइन के बारे में कुछ भी दिया है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से एक यूज करेंगे स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये हो गया हमारा 3x, ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। अभी अगर मैं इसको और इसके नंबर ऑफ कॉइन्स को, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं और उन कॉइन्स को मैं माइनस कर दूं 160 कॉइन्स से, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, इन दोनों को पहले मैं ऐड करूंगी, मुझे एक नंबर मिलेगा, ठीक है, उस नंबर को मैं 160 कॉइन्स से अगर माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरे 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, करेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रुपए कॉइन से मेरे पास 3x, 5 रुपीज के कॉइन से मेरे पास x, 3x प्लस x करूंगी तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को अगर मैं 160 में से माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 रुपीज का वैल्यू मिल जाएगा, 1 रुपीज का वैल्यू क्या होगा मेरा, 160, जो मेरे टोटल कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स कितने मेरे 160 है, 160 मेरे टोटल कॉइन्स में से मैं माइनस कर रही हूँ, किसको माइनस कर रही हूँ, 5 रुपीज के कॉइन्स, और 5 रुपीज के कॉइन्स क्या है, x है, और 2 रुपीज के कॉइन्स है 3x, तो मैंने क्या किया समझा, पहले इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, इनका जो भी आंसर आता है मैं उसको माइनस करूंगी 160 से, ठीक है, तो इट विल बी 160 विच विल बी इक्वल्स टू 160 माइनस 3 प्लस x, 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 4x,
करेक्ट। तो हम लोग का 1 रुपीज से कितने कॉइन्स हम लोग के पास अभी हो गए 160 माइनस 4x, समझा इतना। अब उन्होंने क्या बोला है हमको, टोटल हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑफ ईच डिनोमिनेशन, ठीक है, हम लोगों को अभी चेक करना है। ओके, आई जस्ट इरेज दिस आउट, आपको भी समझा एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या पता करना है कि अभी हमको क्या मालूम किया है कि कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। अब हमको रुपीज़ का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये 5 रुपए के कॉइन एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वैल्यू फॉर 5 रुपीज कॉइन्स कितनी है हम लोग अभी पता करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपए के कितने एक्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए के कितने हैं 3x है, और नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपीज से कितने 160 माइनस 4x है हम लोग के पास कॉइन्स। अब इतनी इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू फॉर रुपीज 5 कॉइन, ठीक है, 5 रुपए के कॉइन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स तो है ही, एक्स कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने एक्स है, और कौन से कॉइन की निकालनी है, 5 रुपए की निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। ओके, सिमिलरली वैल्यू फॉर रुपीज 2 क्या हो जाएगा, रुपीज 2 के कॉइन का क्या वैल्यू दिया हुआ है हमको, 3x दिया है, 3x कॉइन की वैल्यू है, और किस चीज का निकालना है, 2 का निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। ओके, नाउ थर्ड वाली चीज क्या है, 1 रुपीज वाला, तो वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगी, ठीक है, 1 रुपीज की क्या हो जाएगी गिवन वैल्यू 160 माइनस 4x है गिवन, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 1 से करूंगी, मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम 160 माइनस 4x मिल जाएगा, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला है, इन तीनों जब पैसों को वैल्यू, मतलब हम लोगों ने इसकी कीमत बताई है, इसकी कीमत रुपीस में गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 300, तो क्या मैं इन तीनों को जब ऐड करूंगी तो मुझे आंसर 300 मिलता है, दिस इज आर इक्वेशन, ठीक है। अभी हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, करेक्ट, इक्वेशन। ओके, फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, 5x, ओके, प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ओके, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टोटल कितने नंबर ऑफ वैल्यू, कितने कॉइन्स है हमारे पास में, सॉरी कितने रुपीस है हमारे पास उस कॉइन्स के, 300 रुपीस, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग की इक्वेशन बन गई, अब हमको क्या निकालना है, हमारे वेरिएबल का आंसर निकालना है। ओके, 5x प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू 11x, प्लस हम लोग इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। अभी 11x और 4x भी हो सकता है, राइट, करेक्ट, ओके, 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। मैं 160 को वहां ले जाती हूँ, मुझे 7x एक साइड में रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160, ठीक है। क्या आंसर मिल जाएगा मुझे, 0, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 इधर पे हो जाएगा 1, तो 7x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 140। तो मुझे 7x की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, सो x विल बी ओवर हियर 140, तो था ही ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, ये है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, वहाँ जाएगा तो हो जाएगा डिविजन, 7 1s आ, 7 2s आ, 7 0s आ, तो मेरी x की वैल्यू कितनी है, 20। क्या मुझे x की वैल्यू चाहिए, यस, मेरे 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है मेरे पास, ठीक है। मतलब मेरे को क्या बोला है इन लोगों ने, 5 रुपए के कॉइन जो है वो कितने हैं, हाउ मेनी कॉइन्स, 20 कॉइन्स है मेरे पास 5 रुपए के, ओके। अगर मेरे पास 5 रुपए के 20 कॉइन्स है तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, ठीक है, मैं इधर पे ही लिख देती हूँ, 5 रुपीज कॉइन के कितने हैं हम लोग के पास में कॉइन्स, 20, 5 रुपए के 20 कॉइन्स है हमारे पास में, ठीक है, 2 रुपए के कितने हैं, क्या कितने हो जाएंगे, 3x, 3 × 20 हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 कॉइन्स हो जाएंगे मेरे पास, किसके, 2 रुपए के। अब थर्ड देखते हैं, 1 रुपीज से कितने हो जाएंगे, ठीक है, 1 रुपीज के लिए क्या बोला इन लोगों ने, 160 माइनस 4x, यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां पर जगह नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा, ओके, 160 माइनस 4x बोला है, 160 माइनस 4 तो वैसे ही रहेगा, और x के जगह पे क्या आएगी वैल्यू, 20, ठीक है, तो इट विल बी इंटू 20, 160 माइनस 4 × 2 8 और 0 80,
160 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो हमको क्या पता चलता है कि 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है। कॉइन्स कितने हैं, 20। 2 रुपए के कितने कॉइन्स है, 60 कॉइन्स है, ओके। और 1 रुपीज से कितने कॉइन्स है, 80 कॉइन्स है, कॉइन्स, ठीक है, रुपीज नहीं है, कॉइन्स है, ओके। अभी हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने करेक्ट किया कि नहीं आंसर, हम इन तीनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या मुझे 160 मिलता है। दिस वॉज माई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मैंने यहाँ पर लिखा था, जब ड्रॉ किया था तब मैंने लिखा था 160 कॉइन्स है हमारे पास। चेक करते हैं हम लोगों को टोटल कितना मिल रहा है तीनों कॉइन्स का। दिस इज जस्ट अ वेरीफिकेशन, यहीं पर आपका सम खत्म हो चुका है, ठीक है। 1 रुपीज़ का हमने निकाला है, यहीं पर आपका सम खत्म हो गया है, लेकिन हमको वेरीफाई करना होगा कि हमको सच में 160 मिल रहा है क्या जब हम तीनों के कॉइन्स को ऐड करते हैं। सो लेट्स चेक, 5 रुपए के कितने थे, 20 थे कॉइन्स, ओके। 2 रुपए का कितना था, 60 है, और रुपीज़ 1 के कितने हैं, 80 है, ठीक है। अब मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। 8 प्लस 6 हो जाएगा हम लोगों का 14, 14 प्लस 2 हो जाएगा हम लोगों का 16। क्या मुझे 160 कॉइन्स मिल रहे हैं, यस। तो क्या मेरा आंसर करेक्ट है, यस, ओके। वापस हम लोग चेक करते हैं हमने क्या किया है। हम लोगों को गिवन था कि जो ये तीन नंबर्स गिवन थे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला था हमको, 2 रुपए का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है, किससे, 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ से। तो इस वजह से हमने 5 रुपीज़ को कंसिडर किया एक्स, एक्स कंसिडर किया हम लोगों ने, 2 रुपीज़ को 3x कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन थी 3 टाइम्स, ओके। उसके बाद में हमने 1 रुपीज़ को कैसे लिखा, 160, और इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, और उसको अगर हम इस माइनस कर देंगे इससे, जब इन दोनों का कॉइन्स मुझे पता चल गया, ठीक है, हमने यहाँ पे भी वही किया। अगर सपोज मुझे 20 और 60 पता होता, अगर 20 और 60 पता होता मुझे पहले ही, तो मैं 160 में से क्या करती, उसको माइनस करती। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस करती, 20 प्लस 60 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 को अगर मैं 160 में से माइनस करती तो मुझे आंसर क्या मिलता, 80 मिलता। जो मेरा 1 रुपीज़ का वैल्यू है वही हमने यहाँ पर किया है, 160 में से इन दोनों की वैल्यू को मैंने माइनस किया है, ठीक है। वी गॉट 80 आंसर। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है पूरा, हमको पहले x इज इक्वल्स टू एक्स 20 मिला है, दैट इज़ द वैल्यू फॉर 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 20 कॉइन है 5 रुपए के, और 60 कॉइन्स है हमारे पास 2 रुपए के, और 80 कॉइन्स है हमारे पास में 1 रुपए के, ओके। आई होप यार सम क्लियर है, ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे बस एक कंडीशन दी हुई है और प्रीवियस सम में रेशियोज गिवन थे, ठीक है। रेशियो वाले सम थोड़े ईजी होते हैं, लेकिन ये सम ट्रिकी होते ज़रूर है, लेकिन सिंपल होते हैं सॉल्व करने के लिए, एक बार आपको पता चल गया क्या इक्वेशन बनानी है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ओके। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड्स दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ रुपीज 100, ठीक है। विनर को क्या मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, ओके। एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, मतलब जो लूजर है, गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज 25, ठीक है। विनर को कितना मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, लूजर को कितना मिल रहा है, 25। डिडेंट विन मतलब ही इज लूजिंग, करेक्ट। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज 3000। इन दोनों को मिलाकर, द विनर एंड द लूजर, दोनों को मिलाकर के कितना इन लोगों ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3000 रुपये, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अगर 63 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब अगर 63 बच्चे आए खेलने के लिए, ठीक है, उसमें से विनर कितने हैं, जितने भी है उसमें से हमको वही फाइंड आउट करना है कि विनर्स कितने हैं। अब अगर उसमें से अगर विनर्स जितने भी थे उनको कितने रुपीस मिले हैं, 100 रुपए, और जो नहीं जीत पाए, मतलब जो लूज करते हैं वो गेम, उनको कितने मिला है, 25 रुपीस, ओके। और उसके बाद मैंने क्या बोला है कि जो पैसे विनर्स और नॉट विनर्स के अंदर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो कितने हुए हैं, 3000 रुपीज़, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितने विनर्स है, ओके, नंबर ऑफ विनर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अपन क्या करते हैं, अजम्पशन कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि द नंबर ऑफ विनर्स हम लोग अज्यूम करते हैं एक्स, ओके। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, हमको फाइंड आउट क्या करना था, यही करना था, ठीक है, इस वजह से मैंने इसी को x लिया है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स भी x, ठीक है। अब टोटल कितने थे, 63 थे, तो जो लूजर्स है वो क्या हो जाएंगे, 63 माइनस x हो जाएंगे, करेक्ट। टोटल में से मैं अगर विनर्स को हटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने लूज किया है, तो वही मैं करूँगी। देयरफॉर द पीपल, ओके, लूजर्स नहीं बोलते इनको अपन, द पीपल हु डिड नॉट विन लिखते, द पीपल हु डिड नॉट विन क्या हो जाएगा, टोटल में से, टोटल कितने, 63, उसमें से मैंने विनर्स को हटा दिया,
तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हार गए हैं, करेक्ट? ये हमको मिल गया दोनों इक्वेशंस। अभी कितना बोला था, 100 रुपए देंगे। अगर विनर्स अगर है तो इनका वैल्यू कितना है, 100 रुपए, ठीक है? देयरफॉर वैल्यू फॉर विनर्स विल बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स तो विनर्स है और कितना रुपए दे रहे हैं इनको, 100 रुपए दे रहे हैं, ठीक है? तो इट विल बी 100x, करेक्ट? अभी सिमिलरली जो लोग नहीं जीते हैं उनको भी एक अमाउंट दे रहे हैं, उन लोग कितना दे रहे हैं, 25 रुपए दे रहे हैं। देयरफॉर वैल्यू फॉर नॉन विनर्स, ठीक है, वैल्यू फॉर नॉन विनर्स क्या हो जाएगा, इनका क्या है वैल्यू, 63 माइनस एक्स है हमने कंसिडर किया है, तो 63 माइनस एक्स तो रहेगा ही, और इनको कितने रुपए दे रहे हैं बेचारों को, जो लोग हार गए हैं उनको दे रहे 25 रुपए, ठीक है? पार्टिसिपेशन प्राइस है उनका 25 रुपए, ठीक है? तो अपने को ये ऐसे ही रखना होगा। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हम इसे ऐसे ही रखते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे अभी हम लोग को इक्वेशन बनानी है। हमको टोटल कितना बोला प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3000 रुपए, ठीक है? अभी अपन चेक करते हैं, हमारी इक्वेशन बन रही है, ध्यान देना, ओके? हमारी इक्वेशन के लिए क्या बोला है उन्होंने, विनर्स और नॉन विनर्स को ऐड अगर करेंगे तो कितने रुपए इन्होंने दिए हैं, 3000 रुपए दिए हैं, ठीक है? तो हम लोग 100x प्लस 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है? और हमको आंसर क्या बोला है, 3000, करेक्ट? विच विल बी इक्वल्स टू 3000। समझा क्या किया हमने, विनर्स और नॉन विनर्स, ठीक है, विनर्स एंड नॉन विनर्स को हमने ऐड किया, कितने पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 3000 रुपीज, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे और हमको पता चल जाएगा कितने विनर्स है। हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड x इज आर विनर्स, और हमको वही बोला ना फाइंड आउट करने, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है? ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। 100x, पहले हम लोग इसका ये ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है? 100x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 63, मैं भी सॉल्व करके देखती हूँ, ठीक है? हमको क्या आंसर मिलेगा, 5 3 15, 5 6 30, 31, 0, 6 2 3 6 एंड 6 2 2, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1575 मुझे आंसर मिल रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 1575, ठीक है? माइनस, माइनस साइन है बीच में, 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्स विल बी इक्वल्स टू 25x, करेक्ट? इक्वल्स टू 3000, ये तो गिवन ही है, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ओके? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसको वहां ले जाती हूँ मैं, ठीक है? मतलब हमारे वेरिएबल्स एक साइड में रहेंगे और हम लोगों के कॉन्स्टेंट्स एक साइड में चले जाएंगे, ओके? सो 100x माइनस 25x विल बी इक्वल्स टू 75x, ठीक है? इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575, ठीक है? अभी हम लोग इसको भी माइनस करके देखते हैं, 75x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3000 माइनस 1575, ठीक है? तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ठीक है? 10 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 5, 9 माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू 2, ओके? 5 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू 4 एंड इट विल बी 1। तो क्या हम लोग को आंसर मिल रहा है, 1425, ओके? 1425, ओके? हम लोग को ये आंसर मिला है। अभी हम लोग किसका वैल्यू चाहिए, 75x का वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, मुझे वैल्यू किसका चाहिए, x का चाहिए। तो मुझे ये सब यहाँ हटा देती हूँ मैं एंड यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं अपन क्या आंसर मिल रहा है हम लोगों को। x को हम लोग क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाय x के फॉर्मेट में गिवन है, करेक्ट? तो हम लोग को क्या करना होगा, हमको इसको डिविजन के फॉर्मेट में लाना है। तो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1425, ओके, डिवाइडेड बाय, ये 75 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो हो जाएगा डिविजन में, ठीक है? 75 1 75 19, ओके, करेक्ट? तो हमको कितना मिलता है, x इज इक्वल्स टू 19, और मेरे को x की वैल्यू क्या, किस चीज़ की है x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू विनर्स, ठीक है? तो मेरे पास विनर्स कितने हैं इस कॉम्पिटिशन में, 19, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ओके? हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हम लोग को जो चीज़ गिवन नहीं थी हमने उसी को कंसिडर किया x, ठीक है? अब उन्होंने बोला कितने कितने लूजर्स तो नहीं बोलती हूँ मैं, कितने थे जो नॉन विनर्स थे, 63 माइनस एक्स, 63 माइनस एक्स कहाँ से आया,
63 टोटल था हमारे पास. अगर हम टोटल में से एक नंबर को माइनस कर दे तो हमको डिडंट विन वाले नंबर्स मिल जाएंगे. मतलब 63 में से सिर्फ 19 लोग विनर्स थे, मतलब कितने लोग लूज हो गए. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद हमने वैल्यू निकाला, इस इनके जो प्राइज मनी थी उसकी वैल्यू निकाली, हमको 100x मिला. और वैल्यू फॉर नॉन विनर्स की निकाली तो हम लोगों को 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 25 मिला. हमने इक्वेशन फॉर्म की, हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमको मिल गया आंसर 19 विनर्स. ओके, so that's all for today's video. Thank you so much for watching this video, and if you haven't downloaded the app of Edu Mantra, please go and download it. Okay, thank you so much, bye bye.